हेलो एंड नमस्कार एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति पेजेस। अगर आप एक बहुत टेस्टी लेस ऑयल में चिकन बनाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। तो इस चिकन की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको यहाँ पे एक पेस्ट जो है वो फ्रेश बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा धनिया लीव्स, थोड़ी सी पुदीना लीव्स, साथ में थोड़ा सा अदरक एंड लहसुन। इसको आप जितना फ्रेश कोर्सली पेस्ट बनाएंगे उतना आपका मैरिनेशन जो है बहुत टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पे मैंने इस सारे पेस्ट ऑलरेडी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अब यहाँ पे मैंने ली है हंग कर्ड। ये कर्ड मैंने करीब 3 से 4 घंटे पहले ही स्ट्रेनर में रख दी थी और ये थिक है एकदम। इस थिक कर्ड में मैंने डाला है वो पूरा पेस्ट जो बनाया था और साथ में अब मैं डालूंगी सारे मसाले। इन मसालों में आता है नमक, चिकन मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, साथ में जाएगा इसमें जीरा पाउडर और गरम मसाला, और अगर आपके पास थोड़ा सा पुदीना पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पे डलेगा थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, कसूरी मेथी और साथ में लेमन। अब आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये मेरी कर्ड बहुत ज़्यादा थिक है, इसीलिए मैरिनेशन जो है बहुत अच्छे से सारे स्पाइसेस एकदम से मिक्स हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जो इस थिक बैटर की वजह से ही मैरिनेशन बहुत अच्छी बनेगी। अब इस पॉइंट पे आप सारे चिकन को बहुत अच्छे से इन में कट्स लगा लीजिए। अब कट्स लगाने के बाद आप इस मैरिनेशन में सारे चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स करके करीब 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अब इस स्टेप पर आप चाहें तो आप कोल को भी बर्न करके इसमें अभी ही रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आप कोल निकाल सकते हैं। उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा स्मोकी आता है, और चाहें तो आप एंड में जिस तरीके से मैंने किया है वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे चिकन पर लग चुका है तो मैं फ्रिज में रख दूंगी करीब 2 से 3 घंटे के लिए। अब 3 घंटे हो चुके हैं, डिनर टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे पैन रख के, ग्रिलिंग पैन, इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद, पूरे पैन पे ग्रीसिंग करने के बाद हाई फ्लेम पर सारे चिकन पीसेस रख दूंगी। इम्पॉर्टेंट इज कि जब आप चिकन को प्लेस कर रहे हैं तब फ्लेम एकदम से हाई होना चाहिए, और उसके बाद जब चिकन ऑलरेडी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर है तब आप उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद चिकन को आप टर्न करेंगे आगे पीछे से दोनों साइड से। इट टेक्स 15 to 20 minutes पूरा कुक होने के लिए, फ्लिप करते रहेंगे। तो अब उसके बाद आपका चिकन कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और मेरा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ी देर और रखने के बाद अब बोन ने चिकन को छोड़ दिया है। अभी आप ये देखिए पूरा अच्छे से कुक हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्लेटिंग। अब मैं इसे सारे चिकन को बहुत प्रॉपरली कैसेरोल में डाल दूंगी। अब यहां पे कोल को करीब 5 से 6 मिनट के लिए बर्न करने के बाद आप इसे चिकन में डाल के और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे तो प्रॉपर स्मोक इसके चिकन के अंदर आ जाएगा फ्लेवर, और वो करीब आप 5 मिनट के लिए रखेंगे तो पूरा जो चिकन है वो स्मोकी फ्लेवर के साथ फिल हो जाएगा। ये देखिए, अब करीब 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसके अंदर रखूंगी और उसके बाद चिकन इज रेडी टू ईट। बहुत टेस्टी चिकन बनता है ये, बहुत इजी भी है और टाइम भी इतना नहीं लगता है। यू मस्ट ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के ये कैसे बना है। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।